वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है पहलगाम में सेकंड डे। अभी मॉर्निंग हम थोड़ा सा लेट हो गए उठने में, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। मैंने नहा लिया है, सब कुछ कर लिया और वो लोग अभी रेडी हो रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो कि मैं जल्दी जल्दी उठ के नहा लिया सो दैट कि आई कैन ब्लॉग। हम आज ही होटल से चेकआउट भी करेंगे। ये है हमारा होटल एमा रिजॉर्ट। एंड यहाँ पे पूरा उस साइड से लिदर रिवर जो है वो बहती है। तो गाइस ब्रेकफास्ट में है पोहा, अंडे, चाय और ब्रेड जैम बटर। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ठीक है ब्रेकफास्ट, बट पोहा जैसा हम खाते हैं वैसा नहीं है। ठीक है, ओके ओके। और अंडे हैं और चाय है, चाय पता नहीं कैसी है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया और फिर हम निकलते हैं। मैं गाड़ी में तो हमने गाइस चेकआउट कर लिया है अपने होटल से और अभी हम जाएंगे पहलगाम जहाँ पे पिकनिक स्पॉट है। बाय बाय टू आवर रिजॉर्ट। अभी हम उतरे हैं थोड़ा रिवर साइड फोटोज वगैरह लेने के लिए। तो इसको कहते हैं लिदर रिवर। अभी ज़्यादा पानी है नहीं, बट अब जो भी है इसी से हमें काम चलाना पड़ेगा। बस कौन सी फिश? कश्मीरी थ्रोट फिश जो है वो इसी में। थ्रोट फिश कितना अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल, ये हम रास्ते में रुके हैं क्योंकि हमें जगह बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो गाइस हमने होटल में सामान रख दिया है और अब हम अपना श्रीनगर घूमना शुरू कर देते हैं। तो पहले हम जाएंगे शंकराचार्य टेंपल और फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। तो अभी हम निकल गए हैं पराठा चेक करके, अपना सामान रख के। तो हमारा वेट कर रहे हैं भैया, ओके हम निकलते हैं। चुके हैं और यहाँ पे अभी नीचे ही भंडारा लगा हुआ है जहाँ पे राइस और कढ़ी चावल मिल रहा है। लेकिन अभी हम जा ही रहे हैं तो हम आने के टाइम खाएंगे कढ़ी चावल और बेल भी खाएंगे। तो अभी हम पहले ऊपर जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद हम जाते हैं शंकराचार्य जी टेम्पल। और अभी हम चढ़ने वाले हैं सीढ़ियाँ। तो कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी हो यहाँ, बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है अभी यहाँ पे। ऋषभ आ रहा है, उसको वेट कर रहे हैं। मेरी तो अभी बस हो गई बात भाई, अभी तो बहुत ऊपर चढ़ना है। हाँ बहुत मुश्किल, अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ। अभी तो हमने स्टार्ट ही की और मैं पहले ही थक गई। फाइनली हम पहुंच गए शंकराचार्य टेम्पल ऊपर। हमने शंकराचार्य के दर्शन कर भगवान के दर्शन कर लिए। अब हम परिक्रमा कर रहे हैं और हमने बहुत सारी फोटोज के लिए और बहुत अच्छी अच्छी फोटो ली। दादा कभी
बहुत सारे लोग आए अलग अलग जगह से और बहुत रश है यहाँ पे। बस अभी हम नीचे जाएंगे और नीचे लंगर जरूर खाना है, कढ़ी चावल। गाइस आप यहाँ से व्यू देखो, पूरा डल ले गया। सॉरी मेरा हाथ आ रहा है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। यहाँ से पूरा आपको डल लेक दिखाई देगा, शंकराचार्य के ऊपर से। कितना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है यहाँ पे, महादेव। कितना प्यारा लग रहा है। मुझको बचपन से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता था और मुझे अभी भी डर लगता है। तो गाइज यहाँ पे नीचे है तपस्या स्थल, यहाँ पे तपस्या करते थे श्री शंकराचार्य। तपस्या स्थल कौन तपस्या करते थे यहाँ पे लिखा हुआ आगे। तो यहाँ पे अभी हम अंदर जाने वाले हैं। आई डोंट नो, यहाँ पे शायद वीडियो शूट करना। अभी हम शंकराचार्य से होके आए हैं राजा ढाबा, जो कि यहाँ ही डल लेक के पास है। और अभी हम लंच करने वाले हैं, देखते हैं हम क्या खाते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है और अभी उसके बाद हमें परी महल भी कवर करना है। तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, लेकिन टाइम बहुत कम है। मेरी जीप लगवा आई है। हम पहुंचे हैं परी महल और यहाँ पे मैं पहले भी आई हूँ। लुक एट द व्यू, यहाँ पे आपके पास फोटोज भी है, आप फोटोज अगर लेना चाहते हैं तो।